नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आइए आज हम बात करते हैं शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों के बारे में। तो आपको बताते चलें कि पीसीएस के इंटरव्यू कार्यक्रम में पुनः संशोधन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। शनिवार रविवार को मिनी लॉकडाउन है, तो शनिवार और रविवार को रोडवेज बसों का संचालन ठप रखने के कारण यह फैसला लिया गया है। आयोग ने 18, 19, 20, 25, 26, 27 जो यानी शनिवार व रविवार और सोमवार तथा 10 अगस्त का इंटरव्यू स्थगित करते हुए 18 जुलाई का जो इंटरव्यू है वो 13 अगस्त को, 19 जुलाई का जो इंटरव्यू है वो 14 अगस्त को, 20 जुलाई का इंटरव्यू 18 अगस्त को, 25 जुलाई का इंटरव्यू जो है 19 अगस्त को, 26 जुलाई का जो इंटरव्यू है वो 20 अगस्त को, 27 जुलाई का जो इंटरव्यू है वो 21 अगस्त को कर दिया गया। चलिए हम बात करते हैं दूसरी जो खबर है, वह है योग्य अभ्यर्थी न मिलने से प्रवक्ता सांख्यिकी का पद खाली है। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण प्रवक्ता सांख्यिकी का पद खाली रह गया है। राजकीय महाविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित एक पद पर भर्ती के लिए 3 नवंबर 2019 को जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई है उसके संदर्भ में है। आइए हम बात करते हैं अगले खबर के बारे में। तो प्रवक्ता अंग्रेजी का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें 29 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता अंग्रेजी का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 29 पदों में 18 अनारक्षित पद, 8 ओबीसी व 3 एससी पद इसके लिए थे, जिसके लिए जो इंटरव्यू का आयोजन है वो जो है 3 जुलाई व 4 जुलाई को आयोजित किया गया था। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर को। तो आपको बताते चलें अगली खबर जुड़ी हुई है, वो है लेखपाल भर्ती की नए सिरे से कवायद होगी और 8,017 पद भरने की तैयारी चल रही है। तो 8,000 पद जो है उसमें UPSSC मतलब कि UPSSSC ने नए सिरे से 3 चयन वर्ष का एक साथ जो है भर्ती विज्ञापन मांगा हुआ है। ये आप देख लीजिए। अगली खबर जो है वो है TGT भर्ती पर जवाब तलब। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने TGT शारीरिक शिक्षा परीक्षा रद्द करने, घोषित परिणाम पर रोक लगाने और पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने की मांग की याचिका पर राज्य सरकार व चयनित अभ्यर्थियों से जवाब मांगा है। चलिए अगली खबर हम लोग देखते हैं, वो है मोदी और पिचाई वार्ता से ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार को लेकर के। तो भारत में गूगल की कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो वो योजनाएं हैं कि 10 साल के अंत तक 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा गूगल। गूगल ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के माध्यम से देश के 22,000 स्कूलों में 2020 के अंत तक 10 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की साझेदारी हुई है। CBSE के छात्र जी सूट फॉर एजुकेशन, गूगल क्लासरूम और यूट्यूब जैसी मुफ्त सेवाओं का उपयोग कर पाएंगे। गूगल ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व इकाई google.org के माध्यम से केवल एजुकेशन फाउंडेशन को 10 लाख डॉलर देने की मदद की घोषणा की है। गूगल ने देश के 2.6 करोड़ छोटे कारोबारियों को गूगल के सर्च से जोड़ा है और उन्हें गूगल सर्च इंजन एवं मैप पर आसानी से खोजा जा सकता है। चलिए हम लोग अगली खबर की ओर देखते हैं, वो खबर जुड़ी हुई है माध्यमिक स्कूलों से। तो जानते हैं कि बेसिक शिक्षा में इतना फर्जीवाड़ा आ चुका है, कई शिक्षक फर्जी निकल चुके हैं, तो इसीलिए माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के दस्तावेजों की पुनः जांच होगी और हर जिले में ADM की अध्यक्षता में समिति बनेगी। अपर मुख्य सचिव ने सभी DM को निर्देश दिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगली खबर, वो खबर जुड़ी हुई है कि जो उत्तर प्रदेश के IIIT है प्रयागराज में, IIIT के जो शैक्षणिक सत्र है वो 30 जुलाई से शुरू होगा और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। अगली खबर, क्योंकि आप जानते हैं कल CBSE का रिजल्ट आया हुआ है, तो उसमें लखनऊ के दिव्यांशी को 100 में 100% अंक प्राप्त हुए और वो देश में टॉपर रही है। CBSE के जो नतीजे रहे उसमें 12वीं में 88.78% अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। अगली हम खबर की ओर रुख करते हैं, इसमें आप